गाइस, दो दिनों के बाद आपका भाई जाग चुका है इस दुनिया में वापस से। और आज का दिन है मंडे, दो दिन के लिए व्लॉग नहीं आ रहा। ये सारे दिन लगे हुए अपने काम शाम करने में, इसलिए मैंने दो दिन से व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मेरे व्लॉग बहुत ही अब ज्यादा काम आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हमारे स्कूल खुलने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारी तैयारी ज्यादा हो रही है। स्कूल खुलते हमारे टेस्ट आ जाने हैं, जिसकी वजह से अब मैं ज्यादा व्लॉग नहीं बना पा रहा, लेकिन शॉर्ट्स मैं डेली डाल देता हूँ। ये अब इधर बैठ के पर वो अपना टिकटॉक लगा हुआ है। मैं आधे एक घंटे पहले ट्यूशन से आया हूँ, टाइम देख लें 8:30 हो रहे हैं। हाँ जी 8:30 हो रहे हैं, और जी घंटे पहले 7:30 बजे मैं ट्यूशन से आऊँ। ये लोग तो बहुत पहले आ गए थे और आते सारे देखे, 7 बजे पढ़ाई करने लग गया था मैं। और ये पेन जेब में भूल गया, बैग में रखने भूल गया, अभी इन्हें बैग में रख के आते हैं थोड़ी देर तक। दादा से घर से हम गए थे हांडी अपनी, जो हांडी में था हमारे आलू शोरबा, और यहाँ पे उन्होंने दिए हमें दो जूस, दो ही दिए थे, 5 दिए थे, जिसमें से एक इसने पी लिया, एक शिरोज ने पी लिया, एक पापा ने पी लिया, तो पीछे बचे दो। अब दो में से ये है आपके हेल्थ के, और एक क्लीन चाहती इधर रख दिया, और ये दादा ने दिए और ये बांध दो, दो बांध देती है, जो पहले भाईजन को भी दिए थे, उसका मैंने ब्लॉग में बताया था। बहुत ही कम बनाने लग गया, देखते हैं रात का खाना खाते हैं फिर, या तो ब्लॉग तो आपको पता है मैं रात को ज्यादा नहीं बनाता, लेकिन मैंने कहा कि ना स्टार्ट कर दी, देखते हैं ब्लॉग, देखें बस ये टिकटॉक बस लगे रहेंगे ये लोग सारे टिकटॉक पे। ये ब्लॉग फिर से शुरू कर दिए, रात के 12 बजे, 12 बजने में भी कुछ ही टाइम रह गया, लेकिन आपके भाई ने शुरू कर ली, इसने रात के 12 बजे 5 मिनट पहले बना लिया मिल्क शेक, वो भी आम लेके आए हैं पापा, और मैं जा रही हूँ बर्फ वगैरह डाल के। ये बदमी किसके लिए रखा जा रहा है, ये इसके लिए ही रखा जा रहा है क्योंकि ढोंगा है, नहीं ये पापा के लिए जा रहा है, अब इसके बाद मेरा आएगा, सरोज का आएगा। इसमें से भी हमने एक जूस पी लिया, और ये बंद तो हमारे सुबह के नाश्ते में खा ली रहेंगे, ये बाल बदमी क्या गिर जाते हैं अंदर को सारे से, नहीं देखे ये अलग है, ये सरोज के खेल नहीं दे, लटक के ना खेलेगा। गाइस आ चुके अपना मिल्क शेक, वहां पे ड्रामा देख रही हूँ, भजना हानी के ड्रामा कोई देख कर आता है, और मैं तो अपना मिल्क शेक पी हूँ। बहुत सारे वहां पे काम कर रहे हैं, पी भी रहे साथ साथ, मैं इधर अकेला पंखा चला के टीवी देखता हूँ, और भजने अभी मिल्क शेक लेके आना है और टीवी चला के देख रहे हैं। रखते हैं इधर, देखें इनकी दौड़े लगी हुई है छत पे, ये देखें ये बस यूं करता रहता है, और ये वहाँ पे साहिल को बुला रहा है, साहिल भी थोड़ी देर तक आ जाएगा। आपके लिए इतनी बुरी बैड न्यूज है, चलो बताते हैं। दरअसल आपको तो पता ही है कि जो हमारे दूसरे ऊपर वाले जो कबूतर है, एक तो खुटे में है, दूसरे जो उनके ऊपर है, उनके कबूतरों का एक बच्चा मर गया था छोटे, उसकी गर्दन भीग गई थी, मैंने आपको बताया था पीछे से। तो जो दूसरा था बड़ा वाला कबूतर ने अपनी रिहाइश बना ली थी वहां पे ऊपर, वहां पे जगह बना ली थी, मैं यहाँ से नीचे चल के दिखाऊंगा, वो जो बल्ब है ना उसके ऊपर एक वो खाना सा बना हुआ, वहां पे उन्होंने वो रहते थे, अब उन्होंने वो खुदा छोड़ दिया, हमने उनकी कुनाली उठा के ऊपर रख दी कि ये लोग ऊपर है तो वो बच्चे को नीचे भूल ना जाए, या उसे खाना ना दे वो मर सकते हैं, तो हमने वो बच्चा कुनाली के साथ ना ऊपर रख दिया। तो ये हुआ कि वो बड़ा हुआ थोड़ा सा, पंख वगैरह उसके निकल गए थे, आपने देखा ही होगा अभी थोड़ी देर पहली साइड में दिखाया, पिछले लोग में ये इसमें दिखाया होगा, तो इसका ये हाल हुआ, एक हाथ चढ़ गया था दूसरा हाथ पकड़ लिया। तो वो ऊपर जब गया ना कबूतर, तो उसने पहचाना नहीं अपने बच्चे को, वो कहता बच्चा नीचे है ये ऊपर कहाँ से आ गया, उसने उस बच्चे को इतना मारा, इतना मारा वो कि वो मर गया बेचारा, एक्सपायर हो गया बेचारा अब, और उसको हमने फेंक दिया नहीं था, पता नहीं छापन में डाल के ये लोग ले गए थे, उसके बाद नहीं मुझे पता। और ये लोग अब शत भी है, मैंने कोई दुख नहीं है, मैंने आपके साथ अपना दुख शेयर कर लिया, इसके मैं भी हल्का हो जाएंगे, चेक करें इसके आए हुए तेरे तो तेरे जितने वजन लग रही है, छोटा ही वजन भी इसका तेरे से ज्यादा है, क्या क्या लाया ये चिप्स, पहले मुझे बता दो ये क्या है, बोले ले आया था, इसमें बोले हैं और ये लुकने हैं इसकी बाजी की, चलो उठा ले वो, अच्छा दो दो लेके आए, ये लेके हाँ सारे अलग अलग आवाज है तीनों की, चार मार गए डाक लग गए,
जाना ही नहीं हूँ। आवाज तो निकाल, आवाज तो निकाल, आवाज निकाल। नीचे आ चुके हैं, वो अभी तैयार होके हम बैठे हैं नीचे। बहुत ही ज्यादा शोर है, बच्चों का आपको पता है। ये जूस मैंने भी यहाँ पे पी के रखा नहीं है, बल्कि अपनी बोतल में भर लिया है। देखें आप, ये पी लिया मैंने। वो था 250 ml का जूस, ये 330 ml की। ये जूस आई है इसका, मैं आपको बताता हूँ। जूस इसका यहाँ तक आया है, और कुछ मेरे अपने ये देखे ऊपर भी रुड़ गया है सारा जूस। ये देखे कुछ मेरे ऊपर भी गिर गया, बड़ा जो पाइप से लेके उसमें हवा भरी है, डब्बे में हवा भरी, जूस सारा उड़ के शेष हो गया। और जो तो मोबाइल भी लगा हुआ है, रोज भाजन गया है, बड़ा टन हो गया है कुंडी लगाने के लिए। अब यहाँ पे ब्लॉग को सीधा करते हैं एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।